सिंपल सा भिंडी मसाला ग्रेवी कैसे बनाते हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भिंडी अच्छी तरह से धो के काट लूँगी। ये देखिए भिंडी मैंने काट लिए है, अभी तेल में हाफ फ्राई कर लूँगी। देखिए सारे भिंडी मैंने तवा पे दे दिए हैं, अभी हाफ फ्राई कर लूँगी। ये देखिए भिंडी मैंने हाफ फ्राई कर लिए है, अभी एक बोल में निकाल लूँगी। ये देखिए भिंडी मैंने फ्राई कर लिए है। भिंडी बनाने के लिए अभी सारे मसाला दही में मिक्स कर लूँगी, उसके बाद करी बनाऊँगी। एक बोल में 2-3 चम्मच मैंने दही लिए है, इसमें भी सारे मसाला दे दूँगी। इसमें नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर दे के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये सारे मसाला मैंने दे दिए हैं और थोड़ी सी तेल दिए है, अभी अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर लूँगी इस तरह से। मसाला के साथ दही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने एक प्याज, हरी मिर्च और छोटा सा इसका एक टमाटर छोटे से टुकड़े में काट लिए हैं। तो चलिए अभी भिंडी ग्रेवी बनाते हैं। देखिए भिंडी मसाला ग्रेवी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल दे दिए है, इसमें ज़ीरा, प्याज और हरी मिर्च दे दूँगी। अभी प्याज हरी मिर्च अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है, इसमें अभी टमाटर दे दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी 2-3 मिनट तक पकाऊँगी। अभी अच्छी तरह से टमाटर भी इसे फ्राई कर लूँगी। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और वो जो दही से मसाला मिला लिए हैं वो अच्छी तरह से 1 मिनट तक ऐसे मिला लूंगी, उसके बाद गैस ऑन कर दूंगी। दही मैंने दे दिए है, अभी ऐसे 1 मिनट तक मिक्स करके गैस ऑन कर दूंगी। ये देखिए 1 मिनट ऐसे मिक्स करके गैस मैंने ऑन कर दिए हैं। ये देखिए दही अच्छी तरह से मैंने ऐसे पका लिए हैं 2-3 मिनट तक, इसमें अभी वो भिंडी दे दूंगी। ये देखिए भिंडी मैंने दे दिए हैं, अभी अच्छी तरह से मसाला के साथ 4-5 मिनट तक ऐसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद थोड़ी सी पानी दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि पहले भिंडी हाफ फ्राई कर लिए थे इसीलिए। ये देखिए मसाले के साथ और दही के साथ भिंडी अच्छी तरह से मैंने 4-5 मिनट तक मिक्स कर लिए है ऐसे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें अभी थोड़ी सी पानी दे दूंगी। ये देखिए पानी मैंने दे दिए है, अभी 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाऊंगी। ये देखिए भिंडी हमारी लगभग हो चुकी है, अभी गैस का फ्लेम लो कर देके और 2 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी।
देखिए भिंडी मसाला ग्रेवी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी काला रही है, रात हो चुकी है इसीलिए थोड़ी व्हाइट व्हाइट लग रही है लाइट के वजह से। कोई बात नहीं, अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और एक बोल में निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी भिंडी मसाला ग्रेवी कैसी बनी। ये देखिए आज की हमारी भिंडी मसाला ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी काला रही है, रात हो चुकी है इसीलिए थोड़ी कलर अलग दिख रही है। आप लोग घर में जब बना के खाएंगे ऐसे तो आप लोगों को पता चलेगा खाने में कितना स्वादिष्ट लगती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की ये जो भिंडी मसाला ग्रेवी आप लोगों को कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।